अमेठी जिले में रहने वाली उस दलित महिला की जिंदगी को दबंग और बिजली विभाग के अधिकारियों ने मुहाल कर दिया। पहले तो दबंगों ने कोर्ट के स्टे के बावजूद यूकेलिप्टस के पेड़ काट दिए और जब एक बिजली का खंभा दलित महिला के घर में गिर गया तो बिजली विभाग के अधिकारी उसे ठीक करने की बजाय घर छोड़कर जाने की हिदायत देने लगे। कोर्ट के आदेश की धज्जियां उड़ाता यह मामला कमरौली थाना इलाके के पूरे छीटी सिंदूरवा गांव का है, जहां रहने वाली दलित दुर्पता और रसूलपुर में रहने वाले दबंग शकील के बीच जमीनी विवाद चल रहा है, जो कि सिविल कोर्ट मुसाफिर खाना में विचाराधीन है। कोर्ट की तरफ से दुर्पता को स्टे भी मिला हुआ है, जिसके हिसाब से जमीन पर किसी भी तरह का कोई काम नहीं किया जा सकता। बावजूद इसके दबंग शकील ने दुर्पता की जमीन पर लगे हुए यूकेलिप्टस के बड़े और पुराने हरे पेड़ों को कटवा दिया, जिसका वीडियो इस वक्त आपके स्क्रीन पर चल रहा है। बात यहीं ख़त्म नहीं होती। सबसे बड़ी मुसीबत तो उस वक्त शुरू हुई जब कटा हुआ पेड़ बिजली के खंभे पर गिरा और फिर बिजली का खंभा दुर्पता की दीवार पर जा गिरा, जैसे बिजली के तार पीड़िता के घर में लटकने लगे। दुर्पता का आरोप है कि जब उन्होंने बिजली विभाग के जेई से मामले की शिकायत की तो जेई ने खंभा हटाने से इनकार कर दिया और तो और महिला को ही घर छोड़कर जाने की हिदायत दे डाली, जिससे महिला खासा परेशान है। तो वहीं पीड़ित महिला ने पुलिस से भी मामले की शिकायत की, लेकिन कोई फायदा हासिल ना हो सका, जिससे बेचारी दलित दुर्पता हद से ज़्यादा परेशान है और उन्हें उम्मीद की कोई किरण दिखाई नहीं दे रही। अमेठी से न्यूज़ टाइम नेशन के लिए मोहम्मद तौफीक की रिपोर्ट। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज़ टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।